हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल तो डे एटी पर आ गए हैं टफेस्ट इंटीजर्स के और कंटिन्यू करते हैं हमारे इस इंटीजर्स की शानदार सीरीज को और आज का पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स और मेट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डी दे रखा है और पी दे रखा है अब यहाँ पर हमें ए पूछा है पी इनवर्स डी पी है ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए ये हमें निकालना है तो इसमें क्या करते हैं अगर अपन ए स्क्वायर निकालेंगे ए इन टू ए होगा तो, हो तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा p इनवर्स dp और इंटू में वापस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा p इनवर्स dp तो पी पी इनवर्स आई हो जाएगा तो पीछे बचेगा p इनवर्स डी स्क्वायर पी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अब इसमें a ऐड कर देंगे और होल डिटर्मिनेंट निकालना है तो जब आप ऐड करके डिटर्मिनेंट लेंगे तो p इनवर्स लेफ्ट से कॉमन आ जाएगा बाहर चला जाएगा फिर p जो है वो राइट right से कॉमन आके बाहर चला जाएगा और इधर बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इसके भी फैक्टर हो जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ पी इन इंटू डिटर हो जाएगा तो आपको सिर्फ निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू डिटर आई ये अब आप बड़े आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ट्रिक अच्छी है याद रख सकते हैं नेक्स्ट पर आएंगे तो फंक्शनल इक्वेशंस का सिंपल सा सवाल है जब लिमिट्स हमारी कांस्टेंट होती है किसी भी फंक्शन की तो अपन उसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं मान लो ये के है तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा वाई प्लस के अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दें तो डी वाई अपॉन वाई प्लस के ये आ जाएगा डी एक्स के बराबर अब अगर, अगर अपन इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ वाई प्लस के बराबर एक्स प्लस सी तो यहाँ से y प्लस के आ जाएगा e की पावर x प्लस सी उसको अपन a e की पावर x लिख सकते हैं तो दो वेरिएबल आ गए हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में एक a आ गया एक k आ गया अब ए और के निकालने के लिए दो रिलेशन चाहिए पहला ये रहा वाई बराबर एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ए माइनस के इसकी वैल्यू बन आ जाएगी दूसरा ये रहा जिसको हमने के अज्यूम किया था यानी कि जीरो से टू अगर अपन इंटीग्रेट कर देंगे ए ई e की पावर एक्स माइनस के इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन इक्वल टू के ले लेंगे तो इन टू इक्वेशन को सॉल्व करके अब आप यहाँ पर ए और के निकाल सकते हैं फिर वाई ऑफ टू की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट सवाल पर आते हैं ये पैराबोला पर बेस्ड है तो एक पैराबोला दे रखा है वर्टेक्स टेक्स ओरिजन ही है ए भी दो पॉइंट्स है इस और उन पे और उनप टेंजेंट बन रहे हैं वो राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब टेंजेंट फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पर बनाए गए हैं और टी वन टी, टी टू माइनस वन होगा तभी ऐसा पॉसिबल है तभी यहाँ पे टेंजेंट 90 डिग्री पे मिलेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगे तो ये वाला मान लेते हैं एटी वन स्क्वायर कॉमा टू एटी वन दूसरा वाला मान लेते हैं एटी टू स्क्वायर कॉमा टू एटी टू और तीसरा वाला मान लेते हैं ए टी वन टी टू जो कि माइनस वन होगा और साथ में टी वन प्लस टी टू ऐसा T2 बराबर माइनस वन बाई टी होगा तो सेंट्रॉयड चाहिए इस ट्राइंगल का इसका लोकस चाहिए तो H आ जाएगा आपके पास टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायेयर और साथ में माइनस वन और अपॉन में थ्री है ना T1 वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर को आप लिख सकते हो T1 वन प्लस टी टू होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स टी वन टी जो कि माइनस वन है और माइनस वन बाई थ्री ऐसा आ जाएगा तो थ्री एच माइनस वन ये आ गया टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर और T1 वन प्लस टी कैसे निकालें Y वाले का सेंट्रोइड तो तो और में आ जाएगा जाएगा ये हो हमारे पास K. इसको K लिख सकते हैं तो यहाँ पे K square आ जाएगा 3H minus 1. ऐसा तो ये बन गया वाई स्क्वायर बराबर थ्री एक्स माइनस वन शिफ्टेड है ऐसा तो अब पूछ रहा है लेट सी बी सेंट्रोइड अब लोकस ऑफ सी अनदर पैरा बोला ये रिपीट कर रहे हैं तो पी टेन की लेटेस्ट रेक्टम चाहिए तो पहले फोर थ्री अब थ्री हो गई अब एक और आप निकालोगे तो आप यहाँ से देख पाओगे कि आपको जीपी मिलती जाएगी जैसे पहले फोर से थ्री हो गई तो से मल्टीप्लाई हो गया अब आप देखें एक और निकालें और 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 फिर आप देखें कि क्या वाकई कॉमन रेशियो आता आता है है या कुछ और आता है। और मुझे कमेंट में बताएं एक बार जीपी आ गई पी टू पी थ्री निकालने के बाद पी टू निकालने के बाद क्योंकि पी नॉट फोर है तो पी वन थ्री से स्टार्ट करेंगे तो फिर थ्री और आगे थ्री बाय फोर देखें जो भी आता है वो फिर इस लॉग में रख देंगे तो इंटरेस्टिंग सवाल है एक और आप निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वेक्टर्स का सवाल है बॉक्स बी सी डी ए दे रखा है तो इसका मतलब बी सी डी का बॉक्स जीरो नहीं है तो नॉन कोप्लेनर है तो अपन कोई भी वेक्टर ए वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं बी सी डी के टर्म्स में लिख सकते हैं तो मान लो ये हो गया एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर प्लस जेड डी वेक्टर एक्स वाई जेड कोई भी कॉन्स्टेंट गए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सी क्रॉस डी और क्रॉस में बन जाएगा ए क्रॉस तो अब यहाँ से ए बाहर आएगा ए बाहर आएगा तो बनेगा सी डी बी बॉक्स ऑफ सी डी बी और बॉक्स ऑफ बी सी डी सेम ही है ऐसा फिर माइनस में आपके पास यहाँ पे बी बाहर आएगा और सी क्रॉस डी डॉट ए बनेगा अगर यहाँ पे सी क्रॉस डी के साथ डॉट कर दें तो सी क्रॉस डी डॉट ए जो आएगा है ना सी क्रॉस डी के साथ डॉट कर सकते तो ये एक्स ऑफ सी भी आ जाएगा ऐसा ये भी बॉक्स बी के बराबर ही है है ना तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अभी हमें पता है फोर्टी हो जाएगा इस तरह से ठीक है तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं और एक x भी होगा यहाँ पे तो ये b वेक्टर इंटू एक्स हो जाएगा अब ऐसा यहाँ करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे d क्रॉस b का क्रॉस कर देंगे a क्रॉस c के साथ तो पहले a बाहर आएगा है ना पूरा माइनस बाहर ही चल रहा है फिर a बाहर आएगा a के साथ आ जाएगा बॉक्स ऑफ d b c है ना तो d b c बॉक्स आएगा d b c का जो बॉक्स है वो वही बॉक्स बी सी डी होता है और फिर माइनस के अंदर यहाँ पे सी बाहर आ जाएगा और डी क्रॉस बी अगर अपन डॉट कर दें यहाँ डी क्रॉस बी तो डी क्रॉस बी डॉट ए जब आएगा तो डी क्रॉस बी तो यहाँ पे वाई डी क्रॉस बी सी ऐसा बन जाएगा और ये वाला जो होगा ये हमारे पास वापस वही बी सी डी हो जाएगा तो सी वाई बी सी डी ऐसे ही लास्ट वाले के अंदर भी कर देंगे मेरे हिसाब से सा ऐसा कुछ आना चाहिए एक बार आप भी करके देख लेना लास्ट वाले में सही तो आ रहा है गड़बड़ तो नहीं हो रही है आप तो अब यहाँ पे प्लस के ए बराबर जीरो आ रहा है तो बॉक्स ऑफ बी सी डी की वैल्यू आपको पता है और बी एक्स सी वाई और जेड डी ये वापस कॉमन आके ए वेक्टर बन जाएगा इसी को ए अज्यूम किया तो यहाँ से अब आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं तो अच्छा सवाल था नेक्स्ट पे आते नेक्स्ट ऐसे अपन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे खतरनाक नहीं है कोई भी ले लो इनमें से जैसे इसको ले लो एक तरफ ले आओ तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई टेन स्क्वायर एक्स फिर आ जाएगा टेन स्क्वायर वाई प्लस वन बाय टेन स्क्वायर वाई कोर्ट को वन बाय टेन लिख दिया प्लस टेन स्क्वायर जेड और अब प्लस में आ जाएगा वन बाय टेन स्क्वायर जेड ये सिक्स आ रहा है तो आप देखेंगे बेटा जब आप ए एम जी एम इक्वालिटी लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू ही सिक्स आएगी तो ये तभी बराबर होगा जब टेन स्क्वेयर एक्स टेन स्क्यर वाई टेन स्क्वायर जेड वन टेन एक्स वन टेन वाई ये सब बराबर है सेम आप यहाँ पे भी करोगे तो टेन एक्स टेन बाई टेन जेड वन बाय टेन एक्स ये और ये सब बराबर आएंगे तो आप देखोगे टेन एक्स टेन बाई टेन जेड सबकी वैल्यू वन 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 हो जाएगी

और राइट साइड में आ जाएगा टेन नाइनटी प्लस थीटा जो कि होता है माइनस क्वाट थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी वन बाई थ्री वो भी माइनस का अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो थ्री टाइम्स थ्री प्लस ए प्लस थ्री टाइम्स थ्री प्लस बी और ये उधर जाएगा तो थ्री प्लस ए थ्री प्लस बी माइनस वन ऐसा बन जाएगा कुछ तो एक तरफ ले जाकर अपन देखें कॉमन या कुछ ले सकते क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी की चाहिए है ना आप चाहे तो थ्री प्लस ए को एक्स ले सकते हैं थ्री प्लस बी को वाई भी ले सकते हैं है ना थ्री प्लस ए को एक्स थ्री प्लस बी को वाई लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स हो जाएगा थ्री प्लस ए थ्री से बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और थ्री प्लस बी जो होगा वो थ्री से बड़ा होगा अब अपन इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर एक्स प्लस वाई और सॉरी एक्स इंटू वाई माइनस में आ जाएगा वन ऐसा तो ऐसा लिख सकते हैं और थ्री और ये जो अब आपको चाहिए ए प्लस बी ये एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स आ जाएगा तो आपको x प्लस वाई की ही क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू चाहिए जो कि आई थिंक रूट टू रूट एक्स वाई के बराबर होती है तो यहाँ से अब आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपको रिलेशन पता चल चुका है तो अब यहाँ से देखें कैलकुलेशन वाइज करना है क्या फिर से बता दूं दोनों तरफ टेन लेंगे तो टेन ए प्लस टेन भी आ गया यहाँ पे नीचे वन माइनस टेन ए इंटू टेन भी राइट साइड में टेन नाइनटी प्लस थीटा होता है माइनस कॉड थीटा तो ये आ गया माइनस का वन बाई थ्री फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से लेफ्ट साइड में इसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे राइट right साइड के अंदर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो यहाँ पर आएगा नाइन प्लस थ्री ए नाइन प्लस थ्री बी और राइट right साइड में आएगा नाइन प्लस थ्री ए प्लस थ्री बी है ना और प्लस के अंदर ए बी माइनस वन तो यहाँ से थ्री ए थ्री बी चला जाएगा नाइन चला जाएगा तो आपके पास ए बी की वैल्यू आई थिंक टेन या ऐसी कुछ आ रही है अगर आप इससे करना चाहें तो अब आप, आप यहाँ डायरेक्ट ए एम जी एम लगा सकते हैं ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर ए बी से ए पी पता है आपको टू अंदर भेज देंगे तो सिंपल सवाल है नेक्स्ट आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है लिमिट्स की थी और हमें पता है तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ से ये इम्प्लाय हो रहा है यहाँ से ये इंप्लाय हो रहा है है ना इधर से ये भी इंप्लाय हो सकता है यहाँ से ये भी इम्प्लाय हो सकता है क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी इसलिए अपन ऐसा बोल पा रहे हैं तो ए इम्प्लाइज बी भी सारे ही ट्रू हो जाएंगे तो ये तो थ्योरिटिकल सवाल है लिमिट्स की थ्योरी पर ही बेस्ड है इन्फिनिटी है तो इसलिए अपन बचा पा रहे हैं इनको तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे तो इसमें सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है नेक्स्ट वापस वेक्टर्स का सवाल आ गया फोर डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स इन स्पेस तो अगर थ्री के अंदर यूनिट वैक्टर लोगे तो कोई भी वैक्टर बाकी तीन पर डिपेंड करेगा तो जैसे एल वैक्टर है तो एल वैक्टर को आप K, M, N के एम एन के टर्म्स में लिख सकते हो एक्स के कैप प्लस वाई एम कैप प्लस जेड एन कैप सारे यूनिट वैक्टर है सबका मॉड वन जैसे एल के साथ डॉट ले लो दोनों तरफ एल के साथ डॉट लोगे तो क्या बन जाएगा एल डॉट एल वन है ना फिर एक्स के साथ के डॉट एल आएगा के डॉट एल है माइनस वन बाय इलेवन फिर वाई के साथ आएगा एम डॉट एल वो भी दिया हुआ है माइनस वन बाई इलेवन और जेड के साथ आएगा एन डॉट एल ये भी दे रखा है माइनस वन बाई इलेवन यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस इलेवन आ गया जैसे ये एक इक्वेशन होगा ऐसे ठीक है के डॉट एन आपको निकालना है तो ऐसे ही और इक्वेशन बना सकते हैं के के साथ डॉट कर लो K के साथ डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा इधर एल डॉट के ऐसा के के साथ डॉट कर लिया के डॉट के हो जाएगा वन एम डॉट के हो जाएगा माइनस का वन बाई इलेवन और एन डॉट के एन डॉट के निकालना है तो इसको ओपन लिख देते हैं जेड टाइम्स एन डॉट के एन डॉट के को मैं लेमडा लिख देता हूँ यही फाइंड आउट करना तो के के साथ डॉट हो गया अब एम के साथ डॉट करते हैं तो एल डॉट एम फिर है ना के डॉट एम आ जाएगा फिर एम डॉट एम आ जाएगा और एम डॉट एन आ जाएगा तो एक और इक्वेशन आ गई तो ये हो गया था हमारे पास किसके साथ एम के साथ डॉट फाइनली एन के साथ डॉट कर लेते हैं तो एल डॉट एन के डॉट एन करेंगे के डॉट एन पता नहीं है तो ये माइनस तो ये एक्स लेमडा आ जाएगा फिर एम डॉट एन वापस वही माइनस वाई बाई इलेवन और लास्ट में एन डॉट एन अब ये फोर इक्वेशन फोर वेरिएबल है इसका रेफरेंस मानकर ये इसमें पुट कर सकते हैं और अब आप यहाँ से लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे तो बारी बारी एलिमिनेट करें एक्स वाई जेड और लेमडा में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं फाइनली नेक्स्ट पे आते हैं ये आसान सवाल है पासिंग थ्रू दिस ये प्लस सी निकालने में काम आएगा स्लोप दे रखा है डीवाई बाई डी एक्स इसके बराबर तो इसमें कुछ खास है नहीं यहाँ पर एक्चुअली नीचे प्रिंट था नहीं एक्चुअली एरिया अंडर द कर पूछा था तो वो तो कोई नहीं करव आ जाएगा तो अपन एरिया अंडर द कर भी निकाल सकते हैं तो वाई डीवाई माइनस टू डी वाई ये हो जाएगा टू डी एक्स इंटीग्रेट कर लेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टू वाई प्लस सी या आ जाएगा टू एक्स अब आप यहाँ पे y को 2 रख देंगे और x को 1 रख देंगे तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी कर्व आ जाएगा एक बार ये कर्व आ गया पैराबोला आ रहे थे तो फिर आप एरिया अंडर द कर भी निकाल सकते किसी भी लाइन के साथ लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इनको बराबर करें तो ये दोनों वाई बराबर एक्स वाली लाइन पे मीट कर सकते हैं तो इस इक्वेशन सोल्व करने की जगह आप एफ एक्स बराबर एक्स डायरेक्ट सोल्व करें तो अगर आप ए को राइट साइड भेज दें और वन बाई सिक्सटीन को लेफ्ट साइड भेज दें यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस वन बाई सिक्सटीन बराबर माइनस ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई सिक्सटीन तो आई गेस ये एक दूसरे के इन्वर्स बन जाते हैं जिसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे ना इक्वल टू वाई करेंगे और उसके बराबर रख के फिर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की

अगर पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपके व्यूज नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें कोई भी क्लास में हो तो जरूर बेनिफिट मिलेगा और प्ले जो है सारे वीडियोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप देख सकते हैं जल्दी मिलेंगे कल डे एटी के साथ तब तक के लिए थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग